हेलो एवरीवन सबको नमस्कार एंड आई होप यू ऑल आर कीपिंग सेफ इन दिस चैलेंजिंग कोविड टाइम्स तो बेसिकली जो टॉपिक जिस पर मैं बोलने वाला हूँ जो हर यूपीएससी स्टूडेंट या एस्पिरेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि प्लान कैसे करें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यू एग्ज़ाम में और वट इज़ द की टू सक्सेस सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रैटेजी जो हर स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन और ये सबसे जो पहला पॉइंट जो दिमाग में आता है दैट इज प्लानिंग सबसे जरूरी है कि पूरे साल भर का एग्जाम होता है प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू और सबके लिए खासकर प्रिलिम्स और मेन्स के लिए आपको एक साथ ही पढ़ना होता है बिकॉज देर इज नोशन बाहर की प्रिलिम्स की अलग तैयारी होती है बहुत लोग बोलते हैं कि मेंस का अलग पढ़ना होता है सम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स आल्सो टीच एंड स्ट्रेटजाइज इन द इन दैट वे ओनली बट मेरे हिसाब से प्रिलिम्स और मेंस की पढ़ाई एक साथ ही होती है स्ट्रेटजी माइट बी डिफरेंट बट हाँ पढ़ना एक ही साथ होता है प्लानिंग बहुत जरूरी है कि साल भर Uh, कितने घंटे पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है तो फर्स्ट इज़ प्लानिंग तो प्लानिंग आप कैसे करोगे फर्स्ट थिंग जैसे मैं आया एक नया एस्पेरेंट हूं मुझे कुछ नहीं पता यूपीएससी के बारे में तो फर्स्ट मैं किसी ऐसे बंदे को या मेंटर ढूंढता हूँ जो मुझे थोड़ा गाइड करे कि क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए कैसी जर्नी होती है यूपीएससी की क्या क्या ध्यान रखना चाहिए तो मेरे हिसाब से प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो कोई मेंटर आप कह लो या कोई फ्रेंड कह लो या कोई सीनियर कह लो जो आपको सही रास्ता दिखा सके या सही स्ट्रैटेजी बता सके और इसमें यह भी कन्फ्यूजन होता है जब नए नए कैंडिडेट्स आते हैं कि सर बारह घंटा पढ़े पढ़ें या चौदह घंटे पढ़ने चाहिए या अठारह घंटे तो मेरे हिसाब से आठ से दस घंटे ज फाइन इफ यू आर कंसिस्टेंट फॉर द होल ईयर उसके बाद सबसे बड़ी ये भी कन्फ्यूजन होती है कि कैसे पढ़ना है पहले प्रिलिम्स मेंस मैंने जैसे बताया कि दोनों एक साथ आपको पढ़ना होता है प्रिलिम्स और मेंस की पढ़ाई कभी अलग अलग नहीं की जाती है वो एक साथ ही होती है बेसिक्स जो होते हैं वो एन आर वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम द कोर बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट और सेम गोज फॉर ऑप्शनल फिर क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग में न्यूज पेपर एंड करेंट अफेयर्स विच इज द कोर एरिया ऑफ यू पी एस सी प्रिपरेशन प्रिलिम्स मीन दोनों के लिए तो मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो ये थे कि आप जब न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं देन यू हैव टू मेक नोट्स जैसे अगर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पेजेस का न्यूज पेपर है तो हर दिन आपके पास एक या दो पेज के या इवन हाफ पेज अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है स्पेशली द एडिटोरियल पार्ट या दूसरा करेंट अफेयर्स पार्ट आपके पास होना चाहिए क्योंकि वो क्या होता है जब आप रिवाइज करोगे एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स प्रिलिम्स हो या मेन्स हो so, वो आपके पास एक शॉर्ट क्रिस्प नोट्स होंगे जिसको आप रिवाइज करके यू कैन ऑलवेज इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ बेटर एंड सेम गोज फॉर अदर मटेरियल्स ऑल्सो अगर आप एनसीआरटी भी पढ़ रहे हो तो उसके भी शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो क्योंकि जब एग्जाम का टाइम आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिविजन और रिविजन में कहूँ कि आपके पास दस एनसीआरटी बुक है तो दस एन बुक आप एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते हो बट हाँ उस दस एन बुक्स के अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं तो वो आराम से रिवाइज किए जा सकते हैं सेम गोज फॉर द करंट अफेयर्स पार्ट जो योजना हो गई कुरुक्षेत्र हो गई और बाकी ऐसी मैगजीन्स होती हैं उसके पास रिटर्न नोट्स आपके खुद के लिखे हुए होने चाहिए उससे क्या होता है इट विल हेल्प यू रिमेंबर ऑल्सो थिंग्स इन अ बेटर मैनर और आपको रिवाइज में रिविजन में वो काफी हेल्प करेगी दूसरी चीजें तो राइटिंग इज ऑफ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस इन प्रिलिम्स ऑल्सो एंड इन मेन्स ऑल्सो फिर जो दूसरी चीजें जो एस्पिरेंट्स कभी कभी मिस आउट कर जाते हैं वो आते आते डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के सीधे टेस्ट पेपर बनाने लगते हैं या देखने लगते हैं मैं कहूँगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द लास्ट फाइव टू टेन ईयर्स ऑफ यू पेपर्स दैट विल गिव यू गुड आइडिया कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा बहुत पैटर्न सिक्स पैटर्न तो आपको यूपीएससी का किसी को नहीं पता चलता बट थोड़ा बहुत पैटर्न आपको पता चल सकता है कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है उससे आप जब न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो या जीएस का कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो डैट विल ऑब्वियसली हेल्प यू कि हाँ मुझे ये चीज पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि दो साल पहले या तीन साल पहले इस एरिया से क्वेश्चन आया था तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए एंड अगेन हर चीज़ नोट्स नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी मैं बार बार ये रिपीट करूँगा वो हेल्प करेगा ही तो ये एक ही एरिया है जिसमें आप यू शुड बी फोकसिंग योर सेल्फ अपॉन सेकेंड उसके बाद आते हैं हम लोग ऑप्शनल uh, कब पढ़ना है क्या प्रीलिम्स देने के बाद पढ़ें या पहले पढ़ें प्रीलिम्स और मेंस में इतना गैप नहीं होता है कि आप नया ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ के जिसको आपको आपने पहले नहीं पढ़ रखा है उसको आप स्टार्ट कर रहे हो प्रीलिम्स के बाद यू हैव टू प्रिपेयर देम साइमल्टेनियसली आपके ऊपर कीप योर टाइम फ्लेक्सेबल फर्स्ट हाफ अगर आप जी एस पढ़ रहे हो सेकेंड हाफ दिन का आप ऑप्शनल रख लो तो ऑप्शनल की भी तैयारी साथ ही साथ होनी चाहिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और जैसा मैंने पहले कहा कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट अगर आप आठ से दस घंटे डेली पढ़ रहे हो और साल भर पढ़ रहे हो तो आई थिंक इट इज़ मोर देन एनफ वो हो सकता है आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ना हो अनफॉर्चुनेटली बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि सेकेंड अटैम्प्ट में आप रैंक होल्डर हो सकते हो इफ यू आर कंसिस्टेंट अगर आप चार दिन हफ्ते में पंद्रह घंटे पढ़ रहे हो और दो दिन कुछ नहीं कर रहे हो तो दैट देट हेल्प फिर हाँ इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि एट द सेम टाइम टेकिंग ब्रेक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी जैसे संडे को मैं कुछ नहीं पढ़ता था आई यूज टू गो फॉर मूवीज या प्ले अ स्पोर्ट तो ऐसा कुछ नहीं है वट एवर यू हॉबीज आर आप साथ साथ उसको भी परसू करो टेक अ ब्रेक इट विल हेल्प यू रिजुविनेट एंड प्रिपेयर फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक इन अ मोर बेटर वे उसके बाद क्या है इम्पोर्टेंट कि जब एग्जाम्स आ रहे हैं उसके दस दिन पहले पंद्रह दिन पहले या एक महीने बहुत लोग एक महीने से मॉक पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दोज पेपर्स विल गिव यू अ फील ऑफ एग्जाम जो आपको सिर्फ घर बैठ के पढ़ने पे नहीं आएगा तो टेक मॉक्स एज मैनी मॉक्स एज पॉसिबल ये कोई नंबर नहीं है कि आपको एक दिन में एक ही मॉक देना है दो मॉक देना है आप जितना कंफर्टेबल हो बिकॉज आप देखोगे कि पांच दस दिन में यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ और स्कोर देख के आपको एनालाइज भी आप खुद को कर सकोगे कि, कि किस किस एरिया में आपको इम्प्रूव करना है नॉर्मल कट ऑफ से आप कितना पीछे जा रहे हो या प्रिलियम्स के कट ऑफ से कितना ऊपर जा रहे हो एंड सेम वो फॉर मेन्स ऑल्सो मेन्स एग्जामिनेशन भी लास्ट पंद्रह राइटिंग वो प्रैक्टिस प्लस मॉक्स होने ही चाहिए एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम में जो काफी कम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज लक दैट इज योर फॉर्चून बट अगेन फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव सो आपको स्टेज पे अपने आप को लाना है कि फॉर्चून और लक आपके साथ हो एंड ट्रस्ट मी अगर आपने मेहनत की है कंसिस्टेंटली की है अपनी स्ट्रैटेजी आपने बनाई है साल भर मेहनत किया है साल भर कंसिस्टेंटली मेहनत किया है आई एम वेरी मच श्योर यू कैन क्रैक द एग्जाम्स जैसा एक मेंटरशिप के बारे में मैंने कहा या किसी सीनियर से पूछने के बारे में कहा तो उसके साथ एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी में दैट इज सेलेक्शन ऑफ राइट स्टडिंग या कोचिंग मटेरियल्स ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में हमेशा ये होता है प्रिपरेशन में इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वट यू स्टडी इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट वट यू शुड नॉट स्टडी बिकॉज अगर आप मटीरियल्स देखोगे तो इट इज़ लाइक अ ओशन डीप ओशन वो अथासागर है जो जितना आप जाओगे वो नई नई मटेरियल नई नई चीज़ें मिलेंगी और आप कुछ कवर नहीं कर पाओगे तो हैविंग राइट काइंड ऑफ मटीरियल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन उसके लिए भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं आपके खुद के मेंटर्स या जानने वाले जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें वो हेल्प कर सकते हैं और कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं दैट इज अ मस्ट जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है एन बेसिक मस्ट है जो पढ़ना ही पढ़ना है स्टैंडर्ड बुक्स आपको किसी भी वेबसाइट पर जाओगे या किसी भी गाइड से आप पूछोगे जो यूपीएससी दे रहा है या दे चुका है ही कैन गाइड यू थ्रू वी कैन ऑल्सो है सेपरेट सेशन ऑन दैट ऑन सेलेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ कोचिंग मटीरियल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और जनरली क्या होता था जब मैं भी प्रिपेयर कर रहा था तो और जनरली वी स्टडी इन ग्रुप या अकेले भी पढ़ते हैं तो ये हमेशा रहता है कि ये मटेरियल भी आ गया है, किसी ने बोला अरे इसका मटेरियल है ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो तो हमें रखना है कि एक चीज़ को अगर हम दस जगह से पढ़ रहे हैं तो बेटर कि एक ही मटेरियल हम दस बार पढ़ें उसमें है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमें याद भी हो जाएगी चीजें और विथ प्रैक्टिस इट विल बी ईजी फॉर अस ऑल्सो टू एग्जीक्यूट दैट पोर्शन इन एन आंसर फॉर्म रादर देन गोइंग विथ टेन और फिफ्टीन अलग अलग मेटीरियल सो हैव सम स्टैंडर्ड बुक्स रीड दैम थ्राइज फोर टाइम्स फाइव टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द टाइम शेड्यूल और कितना आपको याद हो पा रहा है तो बेसिक गाइडेंस और मटेरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और जो चीज़ नहीं पढ़नी है साथ में जो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है और मार्केट में है ऑलरेडी मिल रही है यू हैव टू स्ट्रिक्टली एवॉइड दोज